आप सब लोग? और ये है आपकी की करंट सिचुएशन इन थाईलैंड जिसमें बहुत सारे टूरिज्म अपडेट्स हैं कोविड के बारे में बात करने लगा और बहुत सारे और नए कॉमेंट्स फ्रेश कॉमेंट्स आए हैं मेरे पास ऑल इन दिस वीडियो तो बने रहें इसी तरीके से और आगे बढ़ने से पहले मी जस्ट पुट माई गिटार साइड फर्स्ट और uh, हाँ आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सपोर्ट करें तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट फड़ से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लेट्स बिगिन सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कोविड केसेस है यहाँ पे और नया डेटा जो आया है वह है अट्ठारह से इक्कीस जनवरी के बीच का और यहाँ पे पिछले हफ्ते के कंपेरिटिवली के केसेस काफी कम आए हैं मतलब कि छः केसेस आए हैं नाइन्टी केसेस पर डे की एवरेज यहाँ पे बनी हुई है जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स है उसमें भी रिडक्शन देखा गया है मतलब कि चवालीस डेथ्स हुई हैं छः डेथ पर डे आप कह सकते हैं ऑन एन एवरेज और जनवरी एक दो हज़ार तेईस से अगर आप डेटा को देखें तो पच्चीस सौ तिरानवे केसेज अभी तक आए और टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो हो चुकी हैं वन सिक्स सेवन जनवरी एक दो हज़ार तेईस से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना टोटल अभी तक यहाँ पे काफी ज्यादा शार्प डिक्रीज देखा गया है कोविड नाइन्टीन के पेशेंट्स में या हॉस्पिटलाइजेशन रेट के अंदर या डेथ रेट के अंदर ओवरऑल देखा जाए जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि 18 से 21 तारीख के बीच में छः केसेस आए हैं लेकिन अगर आप इसे पिछले उससे पहले का जो डेटा या वीडियो आपने अगर फॉलो की है तो 8 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक यहाँ पे आठ ओवरसीज या फॉनर्स के केसेस आए हैं जो पॉजिटिव निकले हैं और यहाँ पे एक जो था हॉस्पिटल में एडमिटेड था और सात जितने थे रिमेनिंग उनको माइल्ड थे या एसिम्टोमेटिक थे वो लोग इसमें से जो तीन थे वो चाइना से आए थे और बाकी के जितने बचे लोग थे वो थे म्यांमार कंबोडिया जापान यूके और साउथ कोरिया से इंडिया का नाम इसमें नहीं है इंडियन कोई भी इन्फेक्टेड अभी तक नहीं मिला है एज पर द रिपोर्ट्स ओके अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कोविड टेस्टिंग को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क होने की जरूरत है क्योंकि पता है लोगों को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं कि इंडिया वापस जो लोग आ रहे हैं उन्हें कोविड नाइनटीन पी सी टेस्ट रिपोर्ट दिखाना पड़ता तो पे काफी स्कैम्स भी होने के चांसेस हैं uh, कुछ एजेंट्स आपको खराब भी कर सकते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक है तो बच के रहें और जो भी जेनवन सेंटर्स हैं आप उन्हीं में जाके अपना टेस्ट करवाएं तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा जैसे कि फॉर इंस्टेंस फॉर इंस्टेंस जैसे कि मैंने मेड एशिया की बात की थी और जितने भी लोगों ने वहां से टेस्ट कराया उनका जो रिस्पॉन्स है फीडबैक है काफी पॉजिटिव निकला है ओके okay? तो आपको करना यह है कि अगर आप अपने टेस्ट वगैरह बुक करते हैं तो उनकी साइट पे जाके डायरेक्टली बुक कर सकते हैं बाय द वे एक चीज़ और मैं बता दूं मुझे मेरी उनसे भी रिसेंटली बात हुई है मेड कंसल्ट से और उन्होंने मुझे ये कहा है कि उन्होंने फुकेट और पटाया के अंदर भी अपने जो टेस्ट वगैरह जो है शुरू कर दिए हैं उनके कुछ टाइप्स हैं जैसे कि फुकेट के अंदर एक एंडल लैब डॉट नेट करके है और पंद्रह सौ थाई बाटे वो टेस्ट करते हैं लेकिन अगर आप इनकी साइट पे जाएंगे मेड कंसल्टेशिया की साइड पे तो यहां पे बेसिकली जितने भी स्लॉट्स दिए हुए हैं बुकिंग वो के वो बैंकॉक के दिए लेकिन आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं कॉल कर लीजिए उनको वो आपका अरेंजमेंट वहीं फुकेट में करा देंगे या पटाया में तो पटाया में करा देंगे ठीक है ना और हो सकता है कि आपको थोड़ा और सस्ता वहां से पड़ जाए ऑल राइट right, और अभी रिसेंटली इन्होंने कम से कम एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी इंडियन डेस्टिनेशन वेडिंग उसके अंदर 500 इंडियंस का टेस्ट किया था फुकेट के अंदर लेट मी टेल यू दैट तो जो उसके एड्रेस हैं जो उसके लिंक्स हैं वो मैं आपके रेफरेंस के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने आ, लगा हूँ फ़ोन नंबर पर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं आ, और जो आपकी रिपोर्ट होती है यूजली आपको सेम डे भी मिल सकती है किसी को नेक्स्ट डे मिलती है और व्हाट्सएप के थ्रू भी वो आपको जो है आपकी रिपोर्ट शेयर कर देते हैं ईमेल से भी कर देते हैं और लाइन आपको पता है एक ऐप है उसके थ्रू भी आप अपनी रिपोर्ट ले सकते हैं इनके जो ऑपरेटिंग टाइम्स हैं सेवन एम टू सेवन पी एम हैं जितने भी गवर्नमेंट ओन्ड आर टी पी सी टेस्ट सेंटर्स हैं वो सैटरडे संडे यूजली वीकेंड्स को क्लोज रहते हैं तो मेक श्योर sure जो भी आपका ट्रैवल प्लान है उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना चाहिए यहाँ पर मतलब कि अपने जो टेस्ट हैं वो आप एडवांस में करा के चलें लेकिन हाँ उसकी वैलिडिटी विद इन सेवेंटी टू आवर्स की आपको रखनी पड़ेगी नहीं तो आप किसी प्राइवेट सेंटर में विजिट कीजिए अगर आपके पास टाइम कम है या वीकेंड में आप वापस इंडिया लौट के आ रहे हैं ऑलराइट गैस right तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि काफ़ी मतलब कि और तरीक़ों से भी आप आर टी पी सी टेस्ट रिपोर्ट ले सकते जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा और ना मैं कहना चाहता हूँ लेकिन आप इन चीज़ों से थोड़ा बच के चलिए ऐसा हो सकता है कि जो टेस्ट रिपोर्ट हो आपकी वो क्वेश्चनेबल निकले या वो मतलब कि वैलिड ना हो ठीक है तो क्यू आर कोड होना बहुत ज़रूरी है रिपोर्ट्स पे पासपोर्ट नंबर आपका स्पेसिफाइड होना चाहिए रिपोर्ट्स पे जो भी आप टेस्ट करा रहे हैं अपने बस मैं इतना ही सही कहना चाहता हूँ यहाँ पे तो जितने भी जेनुइन सेंटर्स हैं सिर्फ आप उन्हें अप्रोच करें और डायरेक्टली उनकी साइट पर जाके अपनी बुकिंग करें इसके अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर आप वापस थाईलैंड से इंडिया आ रहे हैं लेट मी टेल यू कि थाईलैंड के एयरपोर्ट्स पे काफ़ी रश पड़ना शुरू हो गया है क्योंकि काफ़ी नेशनलिटीज के लोग आ रहे हैं और साइमल्टेनियसली मतलब आगे पीछे जो है फ्लाइट्स उतर रही हैं बैक टू बैक तो इंश्योर कि आप एयरपोर्ट जो है कम से कम तीन घंटा पहले पहुंच जाएं अगर आप इंडिया वापस ट्रैवल करने लगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट अगर आप इंडिया से भी कहीं और ट्रैवल करते हैं तो यार तीन घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना आपके लिए आज की डेट में सही रहेगा क्योंकि इमिग्रेशन पर खासकर काफ़ी ज़्यादा रश पड़ता है और राइट चलिए आगे शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के नए कॉमेंट्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ें लोगों ने कही हैं वो मैं आपको पढ़ के दिखाने लगाऊँ स्क्रीन पर तो फटाफट से देखते हैं इसे चलिए कमेंट शुरू करते और पहला कमेंट यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि डीएम के एयरपोर्ट मतलब कि डॉम्यूंग एयरपोर्ट के ऊपर सिर्फ होटल बुकिंग रिटर्न फ्लाइट और वीजा अराइवल उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने ठीक है तो मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ लोगों के जो लोगों के जो लोगों ने शेयर किया है Agla comment padte, currently in karabi and its beautiful less indians and more of uh, russians and chinese uh, no one is wearing mask and all is okay please don't cancel the program at indian airport they will ask for the insurance uh, and hotel proof no check at forget airport immigration took approximately 1 hour we had e visa on arrival which took 5 minutes only everyone is having fun chill and come, just ensure uh, health insurance ठीक है तो हेल्थ इंश्योरेंस आपने लेनी है सब कुछ नॉर्मल है और अगर आप ई विज ऑन अराइवल की फैसिलिटी लेते हैं जैसे इन्होंने ली है तो सिर्फ पाँच मिनट के अंदर आपका इमिग्रेशन जो है क्लियर हो जाता है आ, सब कुछ नॉर्मल है लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं कराबी में हैं वो अभी तक उन्होंने बताया है और यहाँ पे आपको ये भी रिकमेंड करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें और उन्होंने डिजिट से आ, हेल्थ इंश्योरेंस ली है चौदह दिनों के लिए फॉर थ्री पर्सनस ठीक है

नेक्स्ट कमेंट दिया यहाँ पे मैं अभी करंट में पटाया हूँ यहाँ पर चाइनीज न्यू ईयर का बहुत जबरदस्त सीन है वॉकिंग स्ट्रीट पर हर चीज नॉर्मल है थाईलैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर कोविड को लेके चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट है एवरीथिंग इज ओके इन थाईलैंड आई एम इन थाईलैंड नाइनटीन ऑफ जनवरी टू ट्वेंटी ऑफ जनवरी ओके चलिए छोटे कॉमेंट से बीच में आते हैं तो सारे आपको पढ़ के बता रहा हूँ मैं यहाँ पे आगे दिया है कि नमस्कार साहब मैं अभी थाईलैंड में आया हूँ बीस तारीख को ना तो इंडियन एयरपोर्ट पर कोई शक्ति देखी आई डोंट नो और ना कोई थाईलैंड में कोई शक्ति किसी ने मास्क के लिए भी नहीं टोका और सब फ्री घूम रहे हैं थाईलैंड में बड़ा आसानी से टेस्ट भी हो जाता है और आरटीपीसीआर के बाद हम 25 तारीख को इंडिया वापस आएंगे तब देखेंगे कि क्या माहौल है एयरपोर्ट पे फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं सोलह जनवरी को बैंकॉक गया था इक्कीस जनवरी से आया हूं सब कुछ नॉर्मल है इंश्योरेंस एंड आर टी पी टेस्ट जरूरी है प्लीज एयरपोर्ट पे एयर सुविधा पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है ये कह रहे हैं वैक्सीनेशन रिपोर्ट कोई नहीं पूछता है मोबाइल पे रखनी फिर भी जरूरी है सुनिए आपने जो चीजें हम आपको बताते हैं वो सब लोगों ने भी आपको रिकमेंड की हैं I am in Karabi, a lot of Indian tourists are coming in. Travel insurance was mandatory in Bangalore airport by airline, but nothing asked in Phuket. Everything looks normal here. ठीक है तो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है जरूरी है आप लेके जरूर चलें अगर जा रहे हैं और फुकेट में खासकर वैसे उनसे कुछ पूछा नहीं गया है यहां पे चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं नथिंग टू वरी टू ट्रैवल टू थाईलैंड इज लेस चांस टू गेट कोविड इन थाईलैंड देन इन इंडिया इफ यू आर वैक्सीनेटेड एंड यू वेयर मास्क इन क्राउडेड देन इट्स एनफ रिजल्ट विल बी नेगेटिव नो वरीज तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मली है थाईलैंड में और अगर आप वैक्सीनेटेड हैं मास्क वगैरह पहन के रखते हैं तो आपकी जो रिपोर्ट है जो रिजल्ट है टेस्ट का वो नेगेटिव ही आएगा डोंट वरी यू कैन इवन गेव The swab one or two days before and ask the lab to generate the report according to your return date. तो अपना यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप ट्रैवल करने लगे वापस इंडिया आने लगे हैं तो उससे पहले अपने अगर आपने सोचा है कि मैं एक दिन पहले टेस्ट कराऊंगा या दो दिन पहले कराऊंगा तो ये चीज कंफर्म जरूर कर लें कि आपकी रिपोर्ट आपको कब डिलीवर की जाएगी मतलब शाम को मिल जाएगी या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको मिलेगी तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपके पास टाइम हो रिपोर्ट को रिसीव करने का उसे अपलोड करने का एयर सुविधा पोर्टल पर द अवेलेबल इन टेस्ट पटाया के अंदर लैब, पटाया बाट लगते हैं। okay? हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट पढ़ते आगे दिया है कोविड 19 सिचुएशन मच बेटर इन थाईलैंड। अब कोई प्रॉब्लम नहीं पीसीआर टेस्ट का ड्रामा इंडियन टीवी मीडिया न्यूज क्रिएट किया हुआ है राइट okay? right, चलिए आगे पढ़ते हैं अच्छा एक और क्लिनिक है यार बैंकॉक के अंदर कासे मर्राद हॉस्पिटल और यहाँ पे भी आप हजार थाई बाट पे टेस्ट करा सकते हैं लेकिन ये कितना जनवन है इसके बारे में मुझे कोई गारंटी नहीं है तो मैं आपको फिर भी सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है मेड कंसल्ट को प्रेफर करें बाकी इसका भी जो मैं आ, एड्रेस है लिंक है मैं अपनी साइट पे पोस्ट कर दूंगा तो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं ठीक है थीके? अगर किसी को पास पड़ती है वो लोकेशन इसलिए कह रहा हूँ तो नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं येस्टडे आई हैव कंप्लीटेड माई थाईलैंड जर्नी नो वन चेक आर्टिपीशियल एफ जस्ट आस्क फॉर सेम यू हैव और नॉट थैंक्स फॉर द रेगुलर अपडेट ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉमेंट में क्या दिया है हाई जस्ट नाउ फिनिश्ड ऑवर था ट्रिप एंड लैंडेड ये इज नॉर्मल विद डिट आर इन जी डी लैप पटाया फॉर फिफ्टीन हंड्रेड था एंड टोल्ड विल गिव कंफर्म नेगेटिव लेस इंडियन टूरिस्ट सो इंडियन रेस्टोरेंट आर स्ट्रगलिंग टू रन होप सिचुएशन चेंज ओके थैंक यू सो मच चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं आई एम बैक होम आफ्टर अ हैप्पी ट्रिप टू थाईलैंड एडमिस्ट सो मेनी र्यूमर्स डेली चेंजेस बाय थाई गवर्नमेंट ऑन एंट्री रूल्स ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ जनवरी अननेसेसरी पीसीए गाइडलाइंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मार्किंग थाईलैंड एज अ रिस्क कंट्री बट फाइनली आई मेड इट एंड योर वीडियोज एंड टाइमली सजेशंस वर ट्रूली हेल्पफुल थैंक यू सो मच I have faith that the updates you are sharing are black and white and help me to take informed decisions. Thank you very much once again. To the fellow travelers, I would say do not cancel your plans. Go and enjoy. I did not witness anything abnormal there. I did not see any concern about COVID. Everything is normal. Do not worry about PCR test. Um, be street smart and um, relax. Uh, Asim, again, thank you for great updates always. Take care. एक्ट्रेवल मैन थैंक यू सो मच वंस अगैन और इन्होंने यही कहा है मैं जो जो हिंदी में समझना चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है जाएँ खाम खा का एक डर खौफ बैठ गया लोगों के अंदर लेकिन आप अगर अपना यूजअली टेस्ट कराते हैं तो थोड़े बहुत सिंपल प्रकॉशंस लेते हैं तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी डोंट वरी ओके चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है जस्ट लैंडेड इन इंडिया फ्रॉम थाइलैंड फॉर द कोविड टेस्ट बताया

काफ़ी काम का है उन लोगों के लिए खासकर जो कि पहली बार पहली बार थाईलैंड विजिट करते हैं ये टूरिज्म के पर्पस के लिए जा रहे हैं ठीक है ना वैसे जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं उनको इन सब चीज़ों के बारे में समझ है लेकिन अगर आप इसके बारे में जाना चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ के दिखाने लगा लगाऊँ लेकिन इसमें से मैं कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स ही लूंगा अभी तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि इन्होंने ट्रैवल किया थाईलैंड में और लिखा है कि नेग्लिजिबल इंडियन क्राउड मोस्ट मोर ऑफ वेस्टर्नर्स एंड चाइनीज I went to Khao which seemed uh, too hyped up for me at least. Uh, was uh, decently crowded, not as crowded as we get to see in YouTube videos. Right, uh, personal opinion. I enjoyed visiting Grand Palace and Emerald Buddha. Did a Shao Phraya dinner cruise. Spent some time at renowned uh, shopping malls. Lastly, at night, went to Mahanakhao for a skywalk that was one of the unique and value for money experience totally worth with efforts i was cautious all the times and made sure to wear mask and made uh, sure to wear mask like mentioned earlier thai and chinese are using mask mostly in crowded and public places that's great okay pataya <laughs> for me was more uh, about relaxing by the beach eat drink and sleep smoke plenty of fishes in the sea for those who want to taste the adventure of pataya i spent most of the time shopping and roaming around Pattaya. no one wear mask uh, so much uh, so that even i stopped using it i am not promoting it but yeah i saw everything was normal there rtpcr ki baat kar rahe hain ki let me tell you rtpcr test at bangkok as well uh, the guidelines by goi matlab government of india is just a joke the testing centers at Pattaya um, at pataya that are government funded are closed on sundays I was able to get the test done on Monday and received a negative report. But since Indians uh, dominate Pattaya, there are plenty of jugglers uh, one can do to get RT-PCR. Uh, visit any Indian restaurant and they will help you. But anyways, guys, uh, just be cautious. Or मैं आपको कहता हूँ कि एक general approach लेके ही आप अपना test कराएँ वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, okay? आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? On my return, I was asked only to show my Air Subida and PCR test report by the airline. On arrival to India, I was again asked to show my PCR test, which I could uh, not as my phone was switched off and didn't have a hard copy. I simply told them to check their system rather than asking me for it. Uh, they checked and said yes, they have uh, they have my already uploaded report and no further questions were asked. So here S Ota Mali Air subida. का प्रिंट आउट लेना ज़रूरी नहीं होता आप अपने फ़ोन पे भी मैं सबको इन जनरल बता रहा हूँ फ़ोन पे भी अगर ए सुविधा का रजिस्ट्रेशन करा है फ़ोन पे ही आप उनको जब आप यहाँ इंडिया आते हैं तो फोन के थ्रू ही उनको दिखा दें कि आपके फ़ोन पे ये सुविधा की रजिस्ट्रेशन हो रखी है उसको प्रिंटआउट की जरूरत नहीं है डोंट वरी अबाउट सच स्मॉल थिंग्स लेकिन पहले ऐसा था कि जब आपको एक एक कागज़ की कॉपी फोटो कापी ले चलनी पड़ती थी और हमने सब वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया लोगों को कि आपको फोटो कापी ले चलनी है डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए सारे लेकिन अब आप फ़ोन पर भी दिखा सकते हैं और यूजली जितने भी अभी रिसेंटली मैंने भी ट्रिप्स किए उसमें फ़ोन पर ही मैंने एयर सुधा लोगों को शो किया है ओके चलेगा ये थी कॉमेंट्स की बात थोड़े से टूरिज्म अपडेट्स ज्यादा नहीं है तो फटाफट -फड़ से कवर कर देते यहाँ पे फुकेट के अंदर भी टूरिज्म जो है काफ़ी उसमें एक शार्प राइज देखा गया है यहाँ पे अभी तक जो है मतलब कि जो डेली अराइवल है लोगों का वो पचानवे सौ दस हजार से लेके बारह हजार या तेरह हजार के बीच में चल रहा है डेली का ठीक है ना और जितने भी लोग हैं मेजरली जो फुकेट में ट्रैवल कर रहे हैं वो यहाँ तो ब्रिटेन से हैं ऑस्ट्रेलियन से हैं कजाकिस्तान से सिंगापुर जर्मनी मलेशिया और इंडिया नॉट ओनली दिस पटाया का भी टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है मतलब काफ़ी शार्प राइज देखा गया है मतलब कि 80 टू 90 परसेंट कम्पेयर टू प्री पैंडमिक लेवल्स और यहाँ पे पटाया की जो लोकल गवर्नमेंट है वो एम्बुलेंसेज या मेडिकल पर्सनल फैसिलिटीज जो है लोगों के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि अगर टूरिस्ट के बीच में कोई एक्सीडेंट्स होते हैं या इंजरीज होती हैं तो वो उस चीज़ को एड्रेस कर सके उसे हैंडल कर सके तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज गाइज और ये थे कुछ थोड़े से टूरिज्म अपडेट्स uh, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड आई सी यू वंस अगेन अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें गुड बाय एंड टेक केयर